वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम. दिस इज सेकेंड वीडियो ऑन मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इससे पहले हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी पे बात किया. इस वीडियो को यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की बात करेंगे. तो डायग्नोसिस हम लोग टोटल 4 हेडिंग में पढ़ेंगे. डायग्नोसिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन MRI क्राइटेरिया और रेडियोलॉजिकल क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन CSF फाइंडिंग एंड लास्ट दैट इज विजुअल इवोक पोटेंशियल. टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल क्राइटेरिया, 2 और मोर एरिया इन्वॉल्वमेंट हैज टू बी डिस्क्रीट, 1 एट अ टाइम. ईच अटैक शुड रीच मैक्सिमम फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट विद इन 7 डेज. फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट शुड लास्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 मंथ. टॉकिंग अबाउट MRI क्राइटेरिया, मोर देन 2 to 3 mm साइज ऑफ डिमाइलिनेटिंग प्लेक, स्पेशली इन पेरीवेंट्रिकुलर एरिया. बेसिकली रेडियोलॉजी पे हमें वेरियस लीजन देखने के लिए मिलता है और हम लोग अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया हम लोग बताते हैं क्या यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या नहीं है. तो मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया इज यूज टू डायग्नोस. आंसर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैज अ टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइट मैटर लीजन. दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग देम फ्रॉम वेस्कुलर लीजन. टिपिकल फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्पस कैलोसम, अपर फाइबर, टेम्पोरल लोब, ब्रेन स्टेम, सेरेबलम एंड स्पाइनल कॉर्ड. द पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज अनकॉमन इन अदर डिजीज. इन स्मॉल वेसल देयर मे बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन स्टेम बट इट इज़ यूजली सिमेट्रिकल एंड सेंट्रल, वाइल इन द MS इट इज़ पेरीफेरल. जब हम लोग मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी आएगा, दैट इज डिसेमिनेटेड इन टाइम एंड डिसेमिनेटेड इन स्पेस. इसको समझते ये होता क्या है. एविडेंस ऑफ डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज डिसेमिनेटेड इन टाइम, मीनिंग डैमेज दैट अकर ऑन डिफरेंट डेट. एविडेंस ऑफ डैमेज दैट इज डिसेमिनेटेड इन स्पेस और फाउंड ऑन 2 और मोर पार्ट ऑफ द CNS. मतलब डिसेमिनेटेड इन स्पेस इज रिलेटेड टू कितना लीजन हमें देखने के लिए मिल रहा है और डिसेमिनेटेड इन टाइम इज रिलेटेड टू हमको किस किस टाइम पे वो लीजन देखने के लिए मिल रहा है. तो मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है. डिसेमिनेशन इन स्पेस, 1 T2 लीजन और मोर इन एटलीस्ट 2 मल्टीपल स्क्लेरोसिस टिपिकल CNS रीजन दैट आर पेरीवेंट्रिकुलर, जक्स्टा कॉर्टिकल, इंफ्राटेंटोरियल, स्पाइनल कॉर्ड. डिसेमिनेशन इन टाइम दैट इज साइमल्टेनियसली एसिम्प्टोमेटिक, कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसिंग एंड नॉन इन्हेंसिंग लीजन एट एनी टाइम और ए न्यू T2 और कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसिंग लीजन ऑन फॉलो ऑफ MRI इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स टाइम और अवेट ए सेकेंड क्लिनिकल अटैक. तो अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्या मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर. आंसर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. टॉकिंग अबाउट CSF क्राइटेरिया, तो ऑन इलेक्ट्रोफोरोसिस हमें यहाँ पे ओलिगोक्लोनल बैंड देखने के लिए मिलेगा और पूछा जाए कि ये बैंड किससे बना होता है. इट कंप्राइजेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी. इसका मैं पिक्चर आपको लास्ट में दिखाऊंगा. विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल हम लोग क्यों चेक करते हैं. फॉर ऑप्टिक न्यूराइटिस. दिस इज़ ऑल अबाउट डायग्नोसिस, नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट.
तो एक्यूट अटैक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है। इंट्रावेनस मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डोज 1 ग्राम आईवी ओडी फॉर 3 to 5 डेज। फॉर क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस, अगर ईडीडीएस दैट इज एक्सपेंडेड डिसेबिलिटी स्टेटस स्केल मोर देन और इक्वल टू 7 है, तो हम लोग क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस यूज़ करते हैं, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस बताया गया इंटरफेरॉन बीटा को। और यहाँ पे हम लोग इंटरफेरॉन बीटा 1 है और इंटरफेरॉन बीटा 1 भी यूज़ करते हैं। इसका जो रूट है दिस इज सबक्यूटेनियस। सेकेंड ड्रग्स इज ग्लैटिरमर एसीटेट। थर्ड ड्रग इज नेटेलिजुमैब एंड फोर्थ ड्रग इज फिंगोमोलिड। तो ग्लैटिरमर एसीटेट, नेटेलिजुमैब, फिंगोमोलिड में हमें याद क्या रखना है, इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेटेलिजुमैब में हमें प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइनकेफेलोपैथी देखने के लिए मिलता है, फिंगोमोलिड में हमें स्किन कैंसर और हार्ट कंडक्शन ब्लॉक देखने के लिए मिलता है। नेटेलिजुमैब इंट्रावेनसली हम लोग यूज़ करते हैं और वंस इन अ मंथ। ये कैसे काम करता है, इट इज़ ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट इंटीग्रिन प्रोटीन एंड इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इनटू सीएसएफ थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अगर आपको फिंगोमोलिड याद है तो ये तीनों नाम भी एज सच याद हो जाएगा। फिंगोमोलिड तो खुद एक ड्रग हो गया, आई फॉर इंटरफेरॉन बीटा, एन फॉर नेटेलिजुमैब एंड जी फॉर ग्लैटिरमर एसीटेट। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस, आंसर है इंटरफेरॉन बीटा, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। यहाँ पे ऑलिगो क्लोनल बैंड दिखाया गया है, नॉर्मल इंडिविजुअल में ये एब्सेंट है और इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस इट इज़ प्रेजेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू।